नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम फैशन ऑफ क्रिकेट और मैं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए सेकंड T20 मैच पर। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करूंगा। सबसे पहले आप लोग छोटा काम करने वाले चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में ला सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया साइट में फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो में दिखा देंगे। और जहाँ तक आप लोग सोच रहे होंगे कि मास्क पहन के आप वीडियो बना रहे हो दोस्तों, तो हाल फिलहाल में ऐसा सुनने को आया कि कोरोना वायरस के केसेस धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगे हैं। तो अपने व्यूवर्स जो भी हैं 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है अगेंस्ट कोरोना वायरस के उसको फॉलो किया जाए, मास्क लगाया जाए नियमित रूप से, हैंड सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन किया जाए जिससे हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके और अपने देश में कोरोना का जैसा रोक सके। दोस्तों तो बिना किसी देरी के वीडियो पे आते हैं। साउथ अफ्रीका टॉस जीता और पहले गेंदबाजी को फैसला किया। जिस तरीके से पहले मैच में इंडियन टीम ने ईशान किशन की बल्लेबाजी रही और ऋतु पराज गायकवाड़ उसके बाद जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी इंडियन टीम की रही थी उस हिसाब से मैच बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया था। और उसके बावजूद मिलर एंड कंपनी ने जिस तरीके से गायक किशन ने और मिलर ने बल्लेबाजी की और इंडियन टीम के इंडियन टीम के मौसम जीत छीन लिया। ठीक उसी तरह से कुछ इस दूसरे T20 मैच में हुआ जो अपनी पार्टनरशिप गायकवाड़ जो सिलसिला आईपीएल में चला था कि शुरुआत के 8 से 10 मैचों में इन दो को स्टार्ट नहीं मिल पा था, ऐसा ही कुछ इन्हें यहाँ देखने को मिल रहा है। आज 1 रन के स्कोर पर रवाना ने आउट करवाया और उसके बाद ईशान किशन आईपीएल से लेकिन जब करियर स्टार्ट हुआ बेहतरीन करियर चल रहा है और एक सवालिया निशान मेरे इनके ऊपर लगाया हुआ है और वो मुझे कहीं ना कहीं जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई थॉट अबाउट दिस टाइप ऑफ बैट्समैन तो ऑलवेज वांट टू हिट एवरी बॉल, तो ये मेरा नजरिया है इसमें। लेकिन फिर भी बढ़िया खेल है, 34 रन का स्कोर किया है उन्होंने। और उसके बाद श्रेयस अय्यर, अब श्रेयस अय्यर की अगर बल्लेबाजी का खास मैं आपको तवज्जो दूँ कि ही टुक हिज टाइम, वो अपना पूरा समय लेते हैं, जो उनका स्टांस है ही इज अ राइट हैंडर एवरी टाइम एंड बैक फुट और फ्रंट फुट का जो स्टांस इनका है बहुत ज़्यादा ही फल डालता है टीमों पे और स्पेशली इनकी बैटिंग लाइनअप पे जो बैटिंग जिस तरीके से करते हैं फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों ही दिशा में बहुत अच्छा खेलते हैं। टीम पर बेसिकली बल्लेबाज जिस तरीके से कॉपी बुक शॉट्स है और प्योर क्रिकेटिंग बुक शॉट्स लगाते हैं, T20 में उनका लाजवाब प्रदर्शन रहा है खेल से लेकर अब तक पिछले मैच में लेकर छिपाली और इस मैच में जिस तरीके से 40 रन पारी खेली है और मैदान को चार को स्ट्रोक लगाया रवाड़ा एंगिड़ी जिस तरीके से गेंदबाजों का उन्होंने सामना किया, तबरेज शमशी केशव महाराज फैक्शियस और सभी गेंदबाज इनके आगे कुछ बेबस से नजर आया और उन्होंने कुछ वित्तीय कतराव से गिरते गई लेकिन ये अपना पंत जो कुछ खास नहीं कर पाया। उसके बाद हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल लेकिन इन्होंने अपना विकेट नहीं गवाया, एक एंड से एक ठीक रह गई समझ एक एंड से उन्होंने अपनी विकेट की वैल्यू समझी और वो बेस्ट थिंग है किसी भी एक बढ़िया बल्लेबाज के लिए। और लास्ट में जो दिनेश कार्तिक ने अमूमन आई पी एल की याद दिला दी जिस तरीके से 30 रन की पारी के लिए हर्षद पटेल ने 9 रन मारा वहाँ मैच को जो एक इंडियन टीम को जो टारगेट सेट करना चाह रही थी अमूमन हुआ था लेकिन फिर भी फाइट बॉल छोटा बॉल छोटी कह सकते हैं साफ रिकॉर्ड पिच है और 5 गेंदबाजों की मदद प्राप्त होती है और यहाँ पर स्पेशली भुवनेश्वर जैसे गेंदबाज हर्षद पटेल जैसे गेंदबाज अगर शुरुआती झटके दे तो कहीं ना कहीं ये अपार्टमेंट टोटल बन सकता था 148 का टारगेट 7 ओवर बैटिंग और जैसे ही भुवनेश्वर ने पहली ओवर में विकेट जो गिराई उसके बाद से ऐसा लगा शायद एक अच्छा स्कोर हो सकता है, रेजा हैंड्रिक्स को भुवनेश्वर ने बोल्ड कर दिया और ये वहाँ से और आप देखिए भुवनेश्वर की जिस गेंद पर रेजा हैंड्रिक्स बोल्ड हुए वो बहुत शानदार गेंद थी, गेंद को उन्होंने हल्का सा अपना जो स्विंग हल्का सा अंदर की तरफ और वहाँ ले जाने चूक गए बैट एंड पैड के गैप से बॉल्ड हो गए वो। उसके बाद बहुमान ने 35 रन बनाया एक अच्छा स्कोर जो पैचेस को फर्स्ट डाउन अमूमन पैचेस फर्स्ट डाउन आते नहीं है जिस तरीके से पैचेस को फर्स्ट डाउन वहाँ भी भुवनेश्वर पैचेस का विकेट वाला तो भुवनेश्वर काफ़ी समय से आई पी एल और उससे पहले से भी गेंदबाजी में अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। आज के मैच में 4 विकेट निकाले और मेरे ख्याल से पिछले 1.5 से 2 सालों के अंतराल ही भुवनेश्वर का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। इसी तरीके के ये गेंदबाज हैं, उनकी गेंदबाजी अमूमन हम लोग यही ढूंढते हैं कि ये गेंदबाजी विकेट टेकर गेंदबाज है
उनकी गेंदों में स्विंग बहुत अच्छा है, अलाइनमेंट बहुत अच्छा पकड़ते हैं, स्लो गेंद का यूज भी बहुत अच्छा करते हैं, यॉर्कर अच्छी है इनके पास, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से गेंद इनका साथ नहीं देते। आज देखिए अच्छा लगा कि चार विकेट निकाली और शुरुआती झटके जो हम भुवनेश्वर कुमार से उम्मीद करते वो मिली, दो विकेट निकला इन्होंने प्रैक्टिस हार्दिक्स की, दुष्यंत की विकेट, जिसके बाद तुरंत इन्होंने दुष्यंत की विकेट निकाली और ये कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार का लॉजिकल स्पेल रहा काफी लंबे समय के बाद ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के अंदर इंडिया के, लेकिन हेनरी क्लास है और हेनरी क्लास है तो जब भी चांस मिला ये तो बहुत कम चांस मिलते हैं, क्योंकि हेनरी क्लास से अगर हम तुलना करें तो अमूमन ऐसा है कि स्टुअर्ट मैगल ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर और शेन वॉन दोनों ही सेम एज और सेम टाइम पीरियड में ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लेइंग कर रहे थे और दोनों ही आधा दर्जे के स्पिनर हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ शेन वॉन क्योंकि वो अपने आप को स्थापित कर चुके थे और उस दौर में बहुत अच्छे गेंदबाज थे, ऑस्ट्रेलिया एक ही गेंदबाज स्पिनर अफोर्ड कर सकती थी, इसलिए स्टुअर्ट मैगल को कभी चांस मिला ही नहीं और जब मिला जब शेन वॉन उपस्थित नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे और उस टाइम वो बढ़िया प्रदर्शन करते थे, ठीक इसी तरह क्लासे का है, जब डिपॉक नहीं होते तब क्लासे में चांस नहीं होता और वो हम बेहतर प्रदर्शन करते, लेकिन इसके बावजूद डिपॉक के आने आते ही क्लासे की जगह टीम से बाहर हो जाती, लेकिन आज के मैच में 81 का स्कोर क्लासे ने बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत शानदार जिस तरीके से और एक जेम्स मिलर को 20, लेकिन पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया एक तरफ का मैच अपने बलबूते पे, जो मैच फर्स्ट का था जो मैच भुवनेश्वर कुमार ने इंडिया में लगभग बना दिया था 3 विकेट निकाल के शुरुआती झटके देने के बाद, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से क्लासे ने बल्लेबाजी की है बहुत ज़्यादा शानदार गेंदबाजी, और देखे तो आयुष खान ने 3 ओवर में 17 रन अच्छी गेंदबाजी की है, हर्षद पटेल ने 3 ओवर में 17 रन दिए हैं, अक्षर पटेल काफ़ी महंगे रहे उनका 1 ओवर 19 रन और वो जो एक ओवर उनका सेटअप क्लासे ने यूज़ किया उनके उस ओवर में 19 रन लगा, वहाँ से कहीं ना कहीं प्रेशर भी बिल्डअप हुआ, क्लासे का फॉर्म भी थोड़ा सा ऊपर उठने लगा और इस तरीके की गेंदबाजी अमूमन अक्षर पटेल करते नहीं है, अमूमन अक्षर पटेल बहुत शानदार गेंदबाज है, कभी कभी सिचुएशन परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती तो एक आध शॉट ऐसा लगता है उसके बाद फिर ओवर बिगड़ ही जाता है, इन क्लासे में अपने बलबूते में मैच को एक तरफा बना लिया, भुवनेश्वर कुमार का साथ किसी और गेंदबाज ने दिया नहीं, ये भी बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जिस तरीके से गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार ने आज के मैच में की, पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की, आयुष खान का जो IPL स्पेल अच्छा रहा, हर मैच में विकेट टेकर और स्टार्टिंग विकेट टेकर, पहले दूसरे ओवर में विकेट निकाल लेते थे, उन दोनों ही मैचों में आयुष खान को विकेट नहीं मिली है, हार्दिक पांड्या IPL के आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट में हो चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में, 4 ओवर का स्पेल और जिस तरीके से विकेट भी निकालते हैं, ब्रेक भी दिलाते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने कमबैक किया बल्लेबाजी भी उस तरीके से नहीं चल, दोनों मैचों में बल्लेबाजी को उस तरीके से करके और गेंदबाजी भी आज भी उन्होंने 3 ओवर में 33 रन दिए, खासे महंगे साबित हुए, अदरवाइज हार्दिक पांड्या और जो IPL गुजरा है उसके बलबूते हम सब कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा बैठे थे कि हार्दिक पांड्या जो 5वें गेंदबाज की कमी या एक ऑलराउंडर की कमी जो कह सकते बैटिंग प्लस बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी कर रही थी और शायद हार्दिक पांड्या उसे पूरा कर सके, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा सक्षम IPL के अंदर और उतनी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जैसे ही IPL इंटरनेशनल मैचेज में दोबारा कमबैक किया वो स्थिति नहीं नजर आ रही, हार्दिक पांड्या का वो कुछ चार्म वो ग्लो नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से IPL में नजर आ रहा था, बहरहाल दोनों ही T20 मैचों में से ये देखने को मिला कि ओपनिंग पार्टनरशिप कहीं ना कहीं इंडिया को दिक्कत दे रही है, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही मैच पहले मैच में 20 या 25 रन और इस मैच में 1 रन, जो इंडिया के लिए परेशानी का सबब है, श्रेष्ठ बढ़िया बल्लेबाज के लिए उसके बाद ऋषभ पंत उसके बाद इंडियन टीम का बैटिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज कम हो रहा, हार्दिक पांड्या को उस तरीके से ना चल पाना, अभी तो 7 ओवर टीम में रबाड़ा का चलना बाकी है, अगर रबाड़ा स्टार्टिंग ले लेते हैं तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है, इंडियन टीम से इनको मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, शायद एक ऋतुराज गायकवाड़ की रिप्लेसमेंट हो और गेंदबाजी में वो उमरान मलिक को चांस दिया जा सकता है, बहुत बेहतरीन गेंदबाज है और IPL बहुत अच्छा मिल जाता है, एक मैच में चांस दे के और देखा जा सकता है किस पोजिशन पर इमरान मलिक अपने आप को फिट करते हैं या IPL में जो प्रदर्शन आपके इंटरनेशनल मैचेज में दोहरा सकते हैं, तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आपको कैसा लगा जो कमेंट करके बताएगा, कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया पर आप जा सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो में करके दिखा देंगे, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुश रहिए सुरक्षित रहिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।